हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, यूं तो यात्रियों की ट्रेन के टीटी के बिहेवियर को लेकर हमेशा शिकायतें सुनने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, टीटी के इसी बिहेवियर को लेकर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें ट्रेन के कोच अटेंडेंट ने टीटी की ही पिटाई कर दी। दोस्तों, वजह ऐसी है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। घटना जम्मू तवी से पटना को जाने वाली अर्चना सुपर फास्ट एक्सप्रेस की है। जब ट्रेन मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, तब उस समय ट्रेन के टीटी चेंज हुए और नए टीटी आए थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यात्रा के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको ट्रेन के टीटी से कॉन्टेक्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि वह आपकी समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों, ट्रेन के एसी कोच में जो कोच अटेंडेंट होते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए प्राइवेट कंपनी के आदमी होते हैं। अर्चना एक्सप्रेस के एसी कोच में ड्यूटी कर रहे कोच अटेंडेंट दिनेश गौतम ने नशे में धुत होकर पूरे कोच में तांडव किया। जब टीटी की ड्यूटी चेंज हुई और नए टीटी साहब आए और वह यात्रियों के टिकट की चेकिंग करने लगे, तो यात्रियों ने उस कोच अटेंडेंट की शिकायत टीटी से की। टीटी ने जैसे ही दिनेश गौतम को कुछ बोला, तब दिनेश ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तब टीटी ने बोला कि अभी आरपीएफ को बुलाते हैं। इतना सुनते ही कोच अटेंडेंट दिनेश ने टीटी की पिटाई करनी शुरू कर दी। बाद में मौके पर मौजूद अन्य अटेंडेंट ने बचाव किया। टीटी ने झगड़े की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी, जिसके बाद बरेली जंक्शन पर उस कोच अटेंडेंट को पकड़कर चालान कर दिया गया। दोस्तों, यह हम सभी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई बेवजह इस तरह से टीटी की ही पिटाई कर दे। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है और आप यहाँ पर क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो से इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।